हेलो फ्रेंड्स, जीत एकेडमी 247 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्टैटिक फैक्ट। आज का जो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश है, तो आइए देखते हैं इससे जुड़े हुए कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले मोटिवेशनल कोट। तो आज का मोटिवेशनल कोट है फ्रेंड्स, फिर से APJ अब्दुल कलाम साहब जी का है। तो वो क्या लिखते हैं देखते हैं। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने लिखा है कि जो इंसान सफल बनना चाहता है अपने ज़िंदगी में, उसे बहुत सारी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है और झेलना ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर उसे सफलता मिलती है बहुत ही आसानी से तो उसे वो उसका कद्र नहीं करेगा। अगर सफलता हमें बड़ी मेहनत करने के बाद, जद्दोजहद करने के बाद मिलती है तो हम उसे वैल्यू भी देते हैं और उसका मजा भी आता है। तो चलिए इसी कोट के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टैटिक फैक्ट। फ्रेंड्स, अगर स्टेट ऑफ द डे की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है, जिसका आप इस तरह से सिंबल देख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश का ये सिंबल से वहाँ का प्रतीक है। उसके साथ साथ ही देख सकते हैं ये इंडिया का मैप है, इसमें देख सकते हैं ईस्ट में, बिल्कुल ईस्ट में आपका अरुणाचल प्रदेश दिख रहा होगा रेड कलर का। उसके बाद अगर बात करते हैं तो और भी क्या क्या है यहाँ पे, तो इसमें DLR नंबर लिखा हुआ है 25, 02 और 01। यानी कि इसका मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ। D4 डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट सीट, और उसके बाद यहाँ का जो लोकसभा सीट है L4 लोकसभा सीट और R4 राज्यसभा सीट है। तो इसके बाद अगर देखते हैं स्टेटहुड की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो राष्ट्र का, राज्य का दर्जा जो इसे मिला है 20 फरवरी 1987 को, 20 फरवरी 1987 को इसको राज्य का दर्जा मिला है। उसके साथ कैपिटल की बात करते हैं तो ईटानगर है, और साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं पेमा खांडू जी है, जो कि 9वें स्थान पे हैं, यानी कि 9वें चीफ मिनिस्टर यहाँ के हैं। उसके साथ साथ देखते हैं इसका फिगर देख लीजिए, इनका पेमा खांडू जी का फिगर यहाँ पे है। उसके साथ साथ गवर्नर की बात करते हैं तो ब्रिगेडियर जो हैं BD मिश्रा जी हैं 19th गवर्नर है अरुणाचल प्रदेश के, और इनका फिगर आप इस प्रकार से देख सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड डिस्ट्रिक्ट 25 है, उसके साथ लोकसभा सीट 2 है और राज्यसभा सीट 1 है। अब बात करते हैं आगे और क्या है यहाँ पे, तो इसकी बात देखिए, लेजिस्लेचर जो है यहाँ का यूनिकैमरल है 60 सीट्स के साथ। उसके साथ साथ हाईकोर्ट का नाम यहाँ गुवाहाटी हाईकोर्ट है, ईटानगर बेंच, और उसके साथ साथ स्टेट रैंक जो है इसका 14वां स्थान पे इसका स्टेट रैंक एरिया वाइज आता है, और पॉपुलेशन वाइज ये आता है 27वें स्थान पे। आप इसका पॉपुलेशन भी एग्जैक्ट देख सकते हैं, 2011 सेंसस के अनुसार ये दिया गया है। उसके साथ साथ लिटरेसी रेट की बात करते हैं फ्रेंड, तो 66.95% है, और साथ ही साथ एंथम की बात करते हैं तो यहाँ पे एंथम कोई खास नहीं है तो इसको मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया। साथ ही साथ उसकी बात अगर करते हैं, लार्जेस्ट सिटी यहाँ का ईटानगर है, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, और बॉर्डर स्टेट फ्रेंड्स नागालैंड और कोहमा है। इसका जो कंट्रीज की बात करते हैं तो 3 कंट्रीज से घिरा हुआ है, भूटान है, उसके बाद म्यांमार है और चाइना है। उसके बाद अगर बात करते हैं इसको किस नाम से जाना जाता है पूरे इंडिया में, तो ये ऑर्चिड स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, या तो पैराडाइज ऑफ बोटनिस्ट के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद अगर ऑफिशियल वेबसाइट की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो www.arunachalpradesh.gov.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद और भी देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए फिगर्स में अगर देखेंगे तो इंडिया के मैप में आपको बिल्कुल दिख जाएगा। यहाँ पे मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ आपको, इस सेक्शंस में आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश एकदम बिल्कुल ईस्ट में है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में बोल सकते हैं इसको। उसके साथ साथ अगर देखते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे और भी क्या है इसके फिगर में, देखे आपको देश दिख जाएंगे, एक भूटान है, दूसरा चाइना है और तीसरा म्यांमार, ये 3 कंट्री से घिरा हुआ है हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो आगे और बात करते हैं, आई होप ये क्लियर रहा होगा। उसके बाद अगर देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेशनल पार्क, यहाँ पे 2 नेशनल पार्क है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है नमदफा नेशनल पार्क, फर्स्ट क्या है नमदफा नेशनल पार्क, और दूसरा जो है फ्रेंड्स मूलिंग नेशनल पार्क है। ये दोनों का नाम याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। उसके बाद देखिए इसको याद करने का ट्रिक है क्या, इसके शुरू का जो वर्ड है उसको याद करिए, नमदफा मूलिंग, नमदफा मूलिंग, नमदफा मूलिंग कर लेते हैं या तो याद हो जाएगा कि आपका 2 नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में। आगे बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वन जीव अभ्यारण कौन कौन से है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए पहला जो है फ्रेंड्स वो दिवंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके बाद है कमलंग, उसके साथ साथ है केन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बाद है आपका पेक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या
उसके बाद है महाओ वैलफ सेंचुरी, यानी कि 6 वैलफ सेंचुरी यहाँ के इंपॉर्टेंट है, दिवंग, कामलंग, केन, पाकी और मिहाओ, ये 6 याद रखना है आपको, कीवर्ड्स के अनुसार आप याद रख सकते हैं, दिवंग, कामलंग, केन, पखुई, इसको भी बोलते हैं, पक्की को पखुई भी बोलते हैं और मिहाओ, तो ये 6 आपका यहाँ पे वैलफ सेंचुरी है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का ये हो गया सिम्बॉल, साथ ही साथ अगर देखते हैं यहाँ पे तो फर्स्ट जो है एनिमल्स यहाँ का जो है राजकीय एनिमल्स की बात करते हैं, गायल है और इसको बॉस फ्रंटालिस भी कहा जाता है और म्यांमार में इसको मिथुन भी कहा जाता है। उसके साथ वर्ड्स की बात करते हैं यहाँ पे तो ग्रेट हॉर्नबिल, ये वर्ड्स है यहाँ का राजकीय वर्ड्स, ग्रेट हॉर्नबिल इसको नाम दिया गया है। साथ ही साथ अगर देखते हैं और भी क्या है तो फ्लावर्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फ्लावर्स देखिए क्या है, तो फ्लावर्स का नाम है फॉक्सटेल ऑर्चिड, ये इसलिए इसको ऑर्चिड ऑफ इंडिया बोला जाता है ना, तो यहाँ पे ऑर्चिड जो फ्लावर है यहाँ का स्टेट फ्लावर्स है। और बात करते हैं ट्री की बात करते हैं, तो ट्री यहाँ पे देखिए ये ट्री है आपका होलैंग नाम का एक ट्री है जो कि यहाँ का राजकीय पेड़ है। और बात कर लेते हैं और क्या है इसमें जानने के लिए, तो मोर टू में नो में देखिए यहाँ से सबसे पहले एक टेम्पल दिख रहा होगा, इसका नाम है गोल्डन पगोड़ा ऑफ नमसाई, ये बर्मिस स्टाइल में बुद्धिस्ट टेम्पल्स बनाया गया है जो कि 2010 में बनाया गया था, बहुत ही फेमस है वहाँ का। उसके साथ साथ ये देखिए एक जनजाति है यानी कि डोंगी पोलो ऑन इंडिजिनस रिलीजियंस, एक रिलीजियस है ये जो वहाँ का फेमस है, डोनी क्या है, डोनी पोलो याद रखना है, डोनी पोलो या रिलीजन से वहाँ का एक धर्म है। उसके बाद और देखिए फ्रेंड्स ये एक और है यहाँ पे बौद्ध मठ ऑफ तवंग एक वहाँ पे जगह है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पे बौद्ध मठ प्रसिद्ध है। और भी बात कर लेते हैं एक और यहाँ का एजुकेशन के लिए है संत क्लैरेट कॉलेज 0, तो ये याद रख सकते हैं। और भी देखिए अब इतना ही था, आई होप ये समझ में आया होगा। एक फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट किया है कि इस जो भी स्टेट वाइज मैं स्टेटिक फैक्ट बता रहा हूँ तो इसके साथ साथ कुछ करंट अफेयर्स भी बता दिया करें इस पर्टिकुलर स्टेट से, तो अगले वीडियो में आपको करंट अफेयर्स भी कुछ मिल जाएंगे जो कि हाल ही के जो करंट अफेयर्स इसमें इससे जुड़े हुए जो भी करंट अफेयर्स होंगे राज्य से जुड़े उसको मैं इसमें ऐड करने की कोशिश करूँगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ और सुझाव है तो कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, गुड बाय।